Hello my lovely friends, so welcome to yet another episode of 2 Minute Tuesdays. So today we will be discussing this. So coming back to the point now, so आपने देख लिया ना किस तरीके से white smoke निकल रहा था हमारी RS200 के exhaust से. So I just wanted to discuss this. So without wasting any time, let's start. Basically, अगर आपकी बाइक से वाइट स्मोक निकल रहा है then you should be worried, okay? So the first thing is वाइट स्मोक कब निकलता है? जो वाइट फ्यूम्स निकलते हैं, वाइट फ्यूम्स या वाइट स्मोक तभी निकलता है अगर इंजन ऑयल is burned in the combustion chamber. So let me explain. अगर आपकी बाइक बहुत ज़्यादा चल चुकी है, 50,000 किलोमीटर आप चला चुके हो, तो देर ये सब मैकेनिकल पार्ट्स हैं, राइट? सो देर इज़ अ टेंडेंसी कि हाँ पार्ट्स वेयर एंड टियर हो जाते हैं. तो उस केस में क्या होता है कि जो इंजन ऑयल होता है और जो हमारी बोर लाइनिंग्स होती हैं वो टेंड्स टू वेयर, ठीक है? तो अगर उसमें वेयर एंड टियर आ जाता है तो इंजन ऑयल वो सीप इन कर जाता है आपके कम्बशन चेंबर में, और अगर वो सीप इन कर जाएगा कम्बशन चेंबर में तो फिर वहाँ पर वो जलने लगता है, एंड दैट बर्निंग ऑफ इंजन ऑयल रिजल्ट्स इन द वाइट स्मोक. ओके, सो यहाँ पर सबसे बड़ा कैच ये है कि अगर आपको वाइट स्मोक दिखता है और ये आपको काफ़ी टाइम के लिए दिखता है देन यू शुड डायरेक्टली गो टू द सर्विस सेंटर, ठीक है? मतलब आपको इसको लाइटली नहीं लेना है बिकॉज दिस कैन रूइन योर इंजन और इंजन सीज हो सकता है. तो पे प्रॉपर अटेंशन टू द वाइट स्मोक. अगर ज़रा सा भी निकले तो मॉनिटर इट क्लोजली. देर आर टू रीजन्स. अगर आपका लिक्विड कूल इंजन है तो चेक फॉर द कूलेंट लेवल. हमेशा चेक करो कूलेंट लेवल कम तो नहीं हो रहा है. देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका कूलेंट सीप इन हो रहा हो आपके इंजन में, वो तो और बड़ा ब्लंडर हो सकता है. एंड द अदर पॉइंट इज कि आपका इंजन ऑयल लेवल कम हो रहा हो, ठीक है? आप इंजन ऑयल लेवल अपना देखते रहो. अगर वो कम हो रहा है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द इंजन ऑयल इज सीपिंग इनटू द इंजन कंबस्शन चेंबर, और फिर उसकी वजह से आपको वाइट फ्लेम्स या वाइट स्मोक मिल रहा है. ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इज द कूलेंट. कूलेंट का इंजन ऑयल में मिलना और इंजन में जाके जलना इज वेरी डेंजरस. तो ये तो बहुत क्लोजली आपको मॉनिटर करना चाहिए. अगर आप देखोगे तो आपका इंजन ऑयल आप जो भी यूज कर रहे हो उसका एक प्रॉपर कलर होता है, ठीक है? अगर वो कलर मिल्की हो रहा है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका कूलेंट आपके इंजन ऑयल में जाके मिल रहा है और फिर वो जलेगा. इट विल रिजल्ट इन अ स्मोक. अब मुझे नहीं पता वो कैसा स्मोक होता है. इट कैन बी ब्राउन और इट कैन बी वाइट. मैं कहीं पढ़ रहा था तो वहाँ पर उन्होंने बोला था कि ब्राउन स्मोक भी निकल सकता है. बट अगर आप उस कंडीशन में अपनी बाइक चलाओगे तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट से ज़्यादा चलने वाली है, बिकॉज पूरा इंजन ऑयल पूरा कूलेंट सब जल जाएगा, ठीक है? फिर कुछ नहीं बचेगा, आपका इंजन सीज हो जाएगा. तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वीडियो से इज़ दैट पे प्रॉपर अटेंशन टू एनी स्मोक कमिंग आउट ऑफ योर एग्जॉस्ट. अगर वो वाइट है, अगर वो ब्राउन है, कैसा भी है, ठीक है? पे प्रॉपर अटेंशन. और एक और छोटा सा बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है द स्मोक फ्रॉम द वाटर वेपर और स्टीम और द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग ऑफ इंजन ऑयल. जो इंजन ऑयल का होगा दैट विल हैव अ ब्लूइश टिंट टू इट. ओके, मतलब अगर स्टीम है दैट विल बी प्रॉपर वाइट. ओके, ठीक है? मतलब एकदम प्रॉपर वाइट होगा. बट अगर इंजन ऑयल या कुछ जल रहा होगा इट विल हैव अ ब्लूइश टिंट टू इट. सो दिस वाज इट गाइस. आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो. तो एक छोटा सा इशू था जो दोस्त फेस कर रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है चलो वो फेस कर रहा है, ऐसे बहुत सारे होंगे जो फेस कर रहे होंगे, तो एक छोटा सा वीडियो बना दिया मैंने. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर टू योर फ्रेंड्स. अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अगर आप फेस कर रहे हो देन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एंड यस, यू नो राइट, if you haven't subscribed to the channel yet then don't forget to hit that subscribe button. And पिछली बार मुझे 2-4 लोगों ने बोला था कि प्लीज़ इंग्लिश सबटाइटल्स. सो इस बार मैंने कोशिश करी है जितना हो सकेगा. आई हैव एडेड अप द इंग्लिश सबटाइटल्स जहाँ पर मैं टेक्निकल हुआ हिंदी में, देन आई हैव एडेड द इंग्लिश सबटाइटल्स फॉर दोज पीपल एज वेल. दिस वाज इट गाइस. सी यू इन माय नेक्स्ट 2 Minute Tuesday और मे बी ब्लॉग और मे बी ट्रेलर. अभी कच्छ वाला एपिसोड भी बचा. सो सी यू गाइस. Until my next video, bye bye.